Hello students, welcome to Civil Stab Himachal and a daily current affairs quiz session. I hope all of you are well at home and preparing for your examination well. Students, आज के session में हम जितने भी important पिछले एक दिन की current affairs से संबंधित news हैं उस पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश से संबंधित जो भी important news हैं उन पर भी बात की जाएगी। थोड़ा सा मैं बता दूं, देखिए students, daily हिमाचल प्रदेश से संबंधित आपकी important examination point of view से खबरें नहीं बन पाती हैं। तो पिछले एक हफ्ता या दस दिन से संबंधित जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है, वो हम जरूर डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हम सेशन शुरू करेंगे। डेली करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन। स्टूडेंट्स, पहला सवाल है, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर द इलीगल माइनिंग इन हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन ए 1 ईयर एंड 50,000 रुपीज, 2 ईयर्स 25,000 रुपीज, सी 2 ईयर्स 5 लाख रुपीज, डी 6 मंथ्स 5,000 रुपीज। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो अभी कल ही खबरों, लास्ट वीक ही ये न्यूज खबरों में रही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, 2 ईयर्स एंड 5 लाख रुपीज इज द फाइन। देखिए, हिमाचल प्रदेश में लगातार इलीगल माइनिंग की समस्या बढ़ रही है बड़ी तेजी से। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे चीफ मिनिस्टर जी ने यह अनाउंसमेंट किया कि भाई पनिशमेंट जो है उसको बढ़ाना चाहिए। इससे पहले जो पनिशमेंट थी 2 साल की ही पनिशमेंट थी, बट फाइन जो था वो 25,000 था। अब इस फाइन को 20 टाइम्स जो है इंक्रीज किया गया है। ऑलराइट, तो अभी जो पनिशमेंट है सीवियर पनिशमेंट 2 साल ही है और 5 लाख जो रुपया है वो फाइन है। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति द्वारा जो है मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है तो उसका फाइन भी इंक्रीज किया गया है। पहला ये फाइन 400 रुपीज था, ठीक है, पहले ये फाइन 400 था, अब ये फाइन 500 रुपीज। ऑलराइट, या किसी प्रकार की मैकेनिकल माइनिंग होती है तो उसका फाइन भी 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया, ठीक है, पहले 25,000 था, नाउ इट इज 50,000। क्लियर है? तो ये कुछ चेंजेस आपके लाए गए हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। या पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए, अवैध खनन जिसे हम कहते हैं इलीगल माइनिंग, छोटी छोटी खड्डे, खड शब्द का प्रयोग किया जाता है, दरिया है और यहाँ पे लगातार जो है रेता बजरी यहां से जो सैंड माफियाज हैं कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इलीगल तरीके से, जो कि सही नहीं है, नेचर के लिए बहुत ही एक डिजास्टर सिचुएशन बन जाती है। इसकी वजह से फ्लड्स आते हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है लगातार, ठीक है। साथ ही साथ कुछ लोगों द्वारा भी जो है इलीगल माइनिंग की जाती है, जैसे लाइमस्टोन है या फिर आपके सॉल्ट होता है, सॉल्ट रॉक होता है, उसका भी लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए भी फाइन बढ़ाया गया है। पहले 400 रुपया था, 500। तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप लिया गया है हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू अचीव 100% वैक्सीनेशन। ऑप्शन ए शिमला, बी कांगड़ा, सी लाहौल स्पीति, डी ऊना। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, लाहौल स्पीति, ठीक है। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा जिला बना है, डिस्ट्रिक्ट बना है। अभी रिसेंटली जो क्या है कॉमिक विलेज, जो कि हाईएस्ट विलेज ऑफ द वर्ल्ड भी माना जाता है, ठीक है, इसी के पास हिक्की में एक जगह है, वो भी बहुत हाइट पे है, सेकेंड हाईएस्ट प्लेस है वो भी। तो कॉमिक जो है, ये भी सवाल कई बार पूछा जा सकता है कि भाई पूरी दुनिया का सबसे जो ऊंचा गांव है, एशिया के कंटेक्स्ट में पूछा जा सकता है, वर्ल्ड के या इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो कॉमिक इज द हाईएस्ट प्लेस, ठीक है। तकरीबन 15,500 फीट की हाइट पर ये लोकेटेड है। तो यहां पर भी है 100% वैक्सीनेशन हुआ है कोविड-19 का, जो आपका 18 से 44 साल की उम्र का एज ग्रुप है, ठीक है। साथ ही साथ 60 एंड 45 प्लस के एज ग्रुप का सेकेंड डोज जो थी वो भी कंप्लीट हुई है आपके इस रीजन में। ऑलराइट, तो लाहौल स्पीति पहला जिला बन गया, ये जरूर याद रखिएगा, सवाल आपका पूछा जा सकता है। नाउ लेट अस सी कि कहां पर ये आपका कॉमिक है, कॉमिक विलेज है। यू कैन सी इन दिस मैप, हियर इट इज लोकेटेड। दिल्ली से अगर आप चलते हैं तो ये रूट रहेगा भाई, ठीक है, सोलन से होते हुए आप गुजरेंगे, सोलन, देन शिमला, ठीक है, सांगला वैली है, किन्नौर रीजन से गुजरते हुए देन यू विल बी रीच्ड एट कॉमिक विलेज। और बहुत ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड, ठीक है। मोटरेबल रोड से भी संबंधित सवाल है कि भाई सबसे
किस स्टेट में जो है ये मोटरेबल रोड, जो मोटर व्हीकल्स के लिए ही बनाया गया है, सबसे हाईएस्ट दुनिया का मोटरेबल रोड, ये आपका लद्दाख रीजन में आता है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है? तो ये इसी इसी रोड के साथ कनेक्ट है, तो ये दो सवाल आपके बन सकते हैं, मोटरेबल रोड हाईएस्ट कहाँ है जम्मू एंड कश्मीर, हाईएस्ट विलेज कहाँ है हिमाचल प्रदेश, ऑलराइट। और तीसरा सवाल जो करंट से संबंधित है, नेक्स्ट है शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम SSBS 10 मीटर रिसेंटली इंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी हैज बीन डेवलप्ड बाय, ऑप्शन ए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, डिफेंस प्लानिंग कमेटी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो डी इज द राइट आंसर, DRDO ने इसे डेवलप किया है लॉरेंस टुब्रो कंपनी के साथ मिलके, ठीक है? और ये एक कह सकते हैं बून है इंडियन आर्मी के लिए, इसे हैंडओवर किया, तकरीबन ऐसे 12 ब्रिजेस जो हैं हैंडओवर किए हैं शॉर्ट स्पेनिंग ब्रिजेस सिस्टम के तहत जो बनाए गए हैं DRDO द्वारा, ठीक है? और ये भी टारगेट लिया गया है कि सून जो है 102 ऐसे ब्रिजेस बनाए जाएंगे। इसका जो लंबाई है, ठीक है, इस ब्रिज की वो है 10 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 4 मीटर, और तकरीबन 9.5 मीटर के गैप को फिल करने में ये मदद करेगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है स्टूडेंट्स, देखिए इंडियन आर्मी इज डिप्लॉइंग एवरीवेयर इन इंडिया इन अ वेरी हार्श टेरेन रीजन्स, और बहुत बार जो है स्ट्रीम्स, छोटे आपके नदियां हैं, रिवर्स हैं, दरिया हैं, वो जो है क्योंकि ब्रिजेस तो हर जगह बने नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है ट्रांसपोर्टेशन के समय इंडियन आर्मी को, तो ये जो छोटे ब्रिजेस हैं ये मदद करेंगे भाई कि 10 मीटर का गैप है तो इसको आसानी से आप ये ब्रिज जो कि पोर्टेबल भी है कहीं भी लेके जाया जा सकता है, ठीक है, आसानी से जो है व्हीकल्स क्रॉस कर पाएंगे। साथ ही साथ ये जो सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम के साथ भी जोड़ा जा सकता है। नाउ व्हाट इज दिस सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम, तो ये एक मल्टी मोबाइल ब्रिज सिस्टम है इंडिया का, ठीक है, जिसके तहत 75 मीटर तक जो है ब्रिज बिल्ड किए जा सकते हैं इंडियन आर्मी द्वारा, स्पेशली ऐसे रीजन में जहां पर बड़ी रिवर्स आ जाती हैं, बड़ी नदियां नाले आ जाते हैं उनको क्रॉस करने में। तो कह सकते हैं इस प्रकार का जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, देखिए इससे पहले क्या होता था, अगर आप 20 ईयर्स बैक जाएंगे, 20 साल पहले, तो क्या होता था कि भाई ये सिस्टम तो था नहीं, तो ऐसे एरियाज में जब रिवर क्रॉस करनी होती थी तो कई दिन तो टेम्परेरी पुल बनाने में ही लग जाते थे इंडियन आर्मी, ठीक है? जैसे लद्दाख रीजन में एक तरफ मान के चलिए चाइना की फोर्सेस अटैक कर देती और हमारे फौजी जो है अभी ब्रिज बनाने में ही लगे हुए हैं टेम्परेरी, ठीक है? सो इस प्रकार के जो पोर्टेबल ब्रिजेस हैं ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे हु हैज बीन रिसेंटली बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी प्रकृति पेंट, इंडिया फर्स्ट एंड ओनली पेंट मेड फ्रॉम काउ डंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी नितिन गडकरी, सी अमित शाह, डी बाबा रामदेव। सो आंसर जो इसका है वो है ऑप्शन बी, MSME मिनिस्टर है नितिन गडकरी, ठीक है, उन्होंने रिसेंटली जो है इसे इनॉग्रेट किया है प्राकृतिक पेंट को, जो कि काउ डंग की मदद से बनाया जाता है, ठीक है? अब क्या है कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये भी है इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है, यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है, वो भी नितिन गडकरी ही। अब देखिए इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो सरकार की तरफ से बताया गया है कि वो तो यही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो है नेचुरल एलिमेंट्स का हम इस्तेमाल करें, खादी इंडस्ट्री को बूस्ट किया जाए, ठीक है? और इसके लिए जो है नितिन गडकरी ने इस जब इनॉग्रेट कर रहे थे प्राकृतिक पेंट को, तो उन्होंने ये कहा भी कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इन्वेस्ट करें खादी उद्योग में, ताकि खादी इंडस्ट्री जो इंडिया की है वो इंटरनेशनली मार्केटाइज की जा सके। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव है, अभी और बात करेंगे सर ये तो पेंट की बात है, काउडंग का ही इस्तेमाल है तो क्या बात है। देखिए क्या प्रॉब्लम क्या है, गाय को हमारे देश में पूजा जाता है ना, गाय को माता माना जाता है, लेकिन गाय को माता इंसान जो है ना, ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि प्रॉफिट ही हम देखते हैं, गाय को भी माता तभी तक माना जाता है जब तक वो दूध देती है, जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उसे छोड़ दिया जाता है सड़क, एंड व्हाट आफ्टर दैट, उसके बाद उसकी लाइफ क्या है, काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद वो किसी सड़क में, सड़क दुर्घटना में मर जाती है, किसी गाड़ी से टकराएगी, क्योंकि सारी जिंदगी तो वो घर में रही है बंधी हुई, नॉट अवेयर अबाउट कि बाहर की लाइफ कैसी है, ठीक है?
या फिर वो किसी के खेतों में घुस जाएगी तो लोग मार देते हैं, बुरी तरह से पीटते हैं। तो ये लाइफ जो है काऊ की बुढ़ापे में वो रह जाती है। और ये भी मान के चलिए कि गाय को एटलीस्ट माता का दर्जा दिया गया तो उसको स्लॉटर नहीं किया जाता है। यू नेवर सी बफलो रोमिंग इन द रोड्स। क्यों? कभी आपने देखा जो गाय आप भटकती देखते हैं, आप भैंसों को नहीं भटकते देखते इस प्रकार से। भैंसे वही दिखेंगी जो डोमेस्टिक हैं, जिनसे दूध लिया जा रहा है। जब वो दूध देना बंद कर देती हैं, वो सीधा स्लॉटर हाउसेस में जाती हैं कटने के लिए। तो ये बात जरूर है, लेकिन काओ डंग का अगर इस्तेमाल किया जा सकता है डिफरेंट तरीकों से, जैसे पेंट में किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है इन इन एनिमल्स की, क्योंकि इंसान तो प्रॉफिट ही देखेगा ना, तो अगर काओ डंग का इस्तेमाल किया जा रहा है तो भाई गाँव की या इन कैटल्स की जो है लाइफ, हम कह सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट या बुढ़ापे में भी जो है एटलीस्ट जो है अच्छी एक जिंदगी इनकी बनी रहे। तो उस हिसाब से भी देखो तो एक बड़ा पॉजिटिव ये है, क्योंकि लगातार एनिमल एट्रोसिटीज के केसेस बड़ी बढ़ते ही जा रहे हैं इंडिया में, और इस बात पे ना हम ध्यान नहीं दे पाते हैं जबकि देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वी हैव सीन सर्टन केस इन इवन इन अवर सराउंडिंग्स। नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड ATW 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड हैज बीन वन बाय एयर सिंगापुर, बी कोरियन एयर, सी एतिहाद एयरलाइन, डी लुफ्थांसा एयरलाइंस। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपका जो बी है कोरियन एयर इज द राइट आंसर। अभी रिसेंटली एयर ट्रांसपोर्ट जो वर्ल्ड है, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक ये पब्लिकेशन हाउस है, इट वॉज स्टार्टेड इन 1964, और ये अवार्ड देता है एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड अवार्ड, या ATW अवार्ड के नाम से ये फेमस है। इट इज कंसीडर वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ एविएशन। ठीक है, तो अभी रिसेंटली है कोरियन एयर को ये अवार्ड दिया गया। अब क्यों अवार्ड ये इंपॉर्टेंट है भाई? ऐसे पीरियड में, कोविड पीरियड में, जब एविएशन जो इंडस्ट्री है घाटे में चल रही है, वहां कोरियन एयर ने बहुत ही प्रॉफिट प्रोवाइड कराया है। साथ ही साथ एक बहुत ही कह सकते हैं इलीट लेवल की सर्विसेज इनकी रही, कस्टमर्स बहुत खुश हैं। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं ATW एयरलाइंस। ठीक है, और ये आपका कोरियन एयर, तो एक्सलेंट लीडरशिप हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ कस्टमर्स का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रखा, चाहे हेल्थ परस्पेक्टिव से हम बात करें या ऑल द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय दिस एयरलाइंस। और जो भी इनके एम्प्लॉयज हैं, जनरली देखा गया एविएशन इंडस्ट्री में है, कोविड के पीरियड में बहुत से आपके पायलट्स हैं या एयर स्टाफ है, दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। तो इन्होंने दे हैव मेंटेन द जॉब्स ऑफ देयर जो एम्प्लॉयज हैं, साथ ही साथ उनके उनको जो भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करा सकते हैं वो भी दिए। तो हर तरीके से हम कह सकते हैं स्पेशल इन दिस क्राइसिस पीरियड कोरियन एयर ने बहुत अच्छे से काम किया। अगर इनका ऑब्जेक्टिव हम बात करें तो ये देखिए, हर कोई चाहता है वृद्धि करना, तो इनका भी ये टारगेट है कि भाई जो 10 सबसे फेमस एयरलाइंस में एयरलाइंस है दुनिया की, उसमें हमारा नाम है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। रिसेंटली एन इंडियन आर्मी मेमोरियल कमेमोरेटिंग ओवर 3100 कॉमनवेल्थ सर्विस मैन हु टुक पार्ट इन वर्ल्ड वॉर टू वॉज इनॉग्रेटेड इन। ऑप्शन ए इटली, बी फ्रांस, सी इथोपिया, डी यूनाइटेड किंगडम। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? इंपॉर्टेंट है ये भी। सो ऑप्शन जो है आपका ए इटली इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी रिसेंटली क्या है, हमारे COAS कमांडिंग ऑफिसर ऑफ आर्मी स्टाफ जो है विजिट किए हैं यूके 4 दिन की यात्रा पे, और इटली भी वो वहां गए, मनोज नरवाने जी। ठीक है, और वहां पर उन्होंने इनॉग्रेट किया है एक इंडियन मेमोरियल। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेनी ऑफ इंडियन सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड और फाउट इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉर द साइड ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू कमेमोरेट देयर सेक्रीफाइसेस स्पेशली फॉर द लिबरेशन ऑफ इटली, 1943 के समय का जो वॉर है, जो भिड़ंत हुई थी ब्रिटिशर्स के साथ, उसके बाद जो है लिबरेशन पॉलिसी जो है, एक नई सरकार का गठन हुआ है, बहुत सी नई चीजें जो है अस्तित्व में इटली में आई हैं। तो 1943 का जो समय है उसे लिबरेशन ऑफ इटली भी कहा जाता है। तो भारतीय सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट इसमें किया था, बड़ी वीरता के साथ लड़े। मैं थोड़ा सा और इस पर बात करना चाहूंगा कि देखिए, इटली में उस समय जो था मुसोलिनी,
मुसोलिनी का रूल था, मुसोलिनी एक डिक्टेटरशिप थे, फैसिस्ट गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस था इटली में, और बहुत से डिफरेंट फ्रंट्स पे इटली डिफीट कर रहा था आपके ब्रिटिशर्स को, ऑलराइट। बट बिकॉज ऑफ इन दिस पर्टिकुलर वॉर जहां पर इंडियन सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया, स्पेशली सिख जो हमारे सोल्जर्स थे, दे पार्टिसिपेटेड इन दिस वॉर और टर्न द टेबल्स ऑफ द वॉर कंप्लीटली, जो कि एक तरफ हार रहे थे ब्रिटिशर, अब जीत गए इस फ्रंट पे, और ये कहीं ना कहीं इट विल बिकेम द क्या बोलते हैं कि एक कील की तरह काम किया, अंतिम कील की तरह इटली के जो फैसिस्ट रूल था उस पे, और इसी को याद में जो है यहां पर ये इंडियन मेमोरियल बनाया गया। ये कुछ पिक्चर्स हैं विच यू कैन सी दैट। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए कर्नाटका, बी महाराष्ट्र, सी तेलंगाना, डी वेस्ट बंगाल। हां जी स्टूडेंट्स क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है आपका, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में ये नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व है ये है, और क्यों खबरों में है अभी कुछ समय पहले भी इस पे चर्चा में रहा था, आई थिंक इन मार्च में या अप्रैल के मंथ में यहाँ पे जो थी बुश फायर हुआ था, पूरे फॉरेस्ट में आग लग गई थी, ठीक है, तो खबरों में था। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए है कि भाई यहाँ पे मेलनस्टिक लेपर्ड, जिसे हम ब्लैक पेंथर भी कह देते हैं, वो देखने को मिला है, जनरली इस रीजन में नहीं होता था बट देखने को मिला है, ठीक है, तो इसलिए ये खबरों में रहा है। थोड़ा सा इस नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व के बारे में भी बात करेंगे, पहले हम ब्लैक पैंथर के बारे में बात करते हैं। हैबिटेट रीजन की अगर हम ब्लैक पैंथर की बात करें इंडिया में, तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज्यादातर ये जो पैंथर देखने को मिलता है, इसके अलावा साउथ वेस्टर्न चाइना में, नेपाल और भूटान में भी इसकी जो स्पीसीज है हमें देखने को मिलती है, ठीक है। साउथ इंडिया में कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला रीजन में है। जो सवाल ब्लैक पैंथर से संबंधित इंपॉर्टेंट आपका बनता है वो होता है प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है। तो IUCN रेड डेटा लिस्ट में वल्नरेबल स्पीसीज की कैटेगरी में से रखा गया है, साइट्स अपेंडिक्स 1 में ये आता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के स्केड्यूल 1 में इसको दर्ज किया गया है। स्केड्यूल 1 में भाई वही एनिमल्स आते हैं जिनका शिकार नहीं किया जा सकता, या जिनके शिकार पे बहुत ही सीवियर पनिशमेंट्स का प्रोविजन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है, ये जो ब्लैक पैंथर है ना, इसका आपने मूवीज में देखा होगा, या एक जंगल बुक में एक करेक्टर आता है बगीरा, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई ये जंगल बुक जो है ना, ये इंडिया के एक नेशनल पार्क से इंस्पायर स्टोरी थी, रुडयार्ड किपलिंग ने ये लिखी थी, मुझे बताइए कि ये नेशनल पार्क जो है कहां पर, किस नेशनल पार्क से इंस्पायर्ड था जंगल बुक, और कहां पर है इंडिया नेशनल पार्क? पेंच नेशनल पार्क सुना होगा आपने मध्य प्रदेश में, उसी नेशनल पार्क पर बेस्ड ये है, वहीं से करेक्टर्स लिए गए हैं, ठीक है। ये सवाल आपको पूछा जा सकता है एग्जाम, और इन जनरल भी पता होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स लेट अस सी नगजीरा नवेगांव टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये 2013 में आपके टाइगर रिजर्व बना, ठीक है, 2013 में 46th टाइगर रिजर्व बना था। अभी रिसेंटली एक और सवाल पूछना चाहूंगा स्टूडेंट्स, इसी साल रिसेंटली क्या है, 52nd टाइगर रिजर्व बनाया का दर्जा दिया गया है, कौन सा टाइगर रिजर्व है वो और कहां पर है, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो रीजन है, वहीं पर एक नया टाइगर रिजर्व बनाने की परमिशन मिली है आपके, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ये आप देख सकते हैं इमेज में नगजीरा नवेगांव रीजन। अब कुछ सवाल यहां से और इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, जैसे कौन सा ट्राइब यहां पे रहता है इस रीजन में। सो ये गोंडिया डिस्ट्रिक्ट रीजन है, गोंडिया रीजन है, गोंड ट्राइब यहां पे प्राइमरली रहता है, एंड इट विल आल्सो मेक अ बाउंड्री बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड आपका मध्य प्रदेश जो रीजन है उसमें, सॉरी महाराष्ट्र जो रीजन है मध्य प्रदेश के साथ, वहां पर बॉर्डर रीजन में कहीं है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कुछ हैबिटेट रीजन है, ट्राइबल रीजन है, ठीक है, फॉरेस्ट है, लेक्स हैं, और ये ब्लैक पैंथर जो मैं बात कर रहा था ये स्पॉट किया गया है, ये आप इमेज में देख सकते, ठीक है।
ब्यूटिफुल एनिमल। नेक्स्ट है, द लम्डा वेरिएंट ऑफ कोविड-19 वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन, ऑप्शन ए अर्जेंटीना, बी बोलविया, सी पेरू, डी कोलंबिया। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, पेरू जो है सही जवाब है। अब थोड़ा सा इस पे बात करते हैं, लामडा वेरिएंट जो है देखिए बड़ी तेजी से फैल रहा है ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, अभी इंडिया में ये नहीं पहुंचा है और इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कैटेगरी में रखा गया, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन थोड़ा और पहले इफेक्ट्स पे बात कर लें कि भाई सबसे पहले भी ये पेरू में ही फाउंड किया गया था 2020 में, और अभी तकरीबन इससे संबंधित 81% जो है टेस्टिंग हुई है, सैंपल्स लिए गए हैं, और काफी जो रीजन है आपका साउथ अमेरिका का, इसके मतलब बहुत से जो स्टेट्स हैं आपके साउथ अमेरिका के, वो लामडा वेरिएंट से जो है सफर कर रहे हैं। और अगर पूरी दुनिया की हम बात करें तो तीन रीजन्स में, मैप में मैं दिखाना चाहूंगा आपको, यू कैन सी दिस इन द मैप, ये सारा ही रीजन देखिए है। ठीक है, साथ ही साथ यूरोप में भी ये फैल चुका है और नॉर्थ अमेरिका में भी ये फैल चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सीवर कंडीशन है वो अभी साउथ अमेरिका में ही, 6 केसेस अभी रिसेंटली यूके में पाए गए हैं। मे बी ट्रांस जो अभी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा, लोग आ जा रहे हैं ना, मे बी द रीजन। तो ये एक भयंकर बीमारी का रूप धीरे धीरे लेने का खतरा है, हालांकि अभी भारत में ये नहीं पहुंचा है। मैंने बात की कि इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा है। देखिए ये जो कोविड या डिफरेंट वायरसेस हैं, इनको तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, सेकेंड है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ हाई कंसीक्वेंसेस। ये तीन कैटेगरीज है। तो पहली कैटेगरी में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में लंबा वेरिएंट को रखा गया है। ये ऐसी डिजीजेस को इसमें रखा जाता है या वायरसेस को रखा जाता है जो बड़ी तेजी से ट्रांसमिट हो रहे हैं, बड़ी तेजी से फैल रहे हैं, लेकिन इनको कंट्रोल किया जा सकता है बाय फॉलोइंग द सोशल नॉर्म्स या मेडिसिन के द्वारा। ठीक है, या अभी बहुत ज्यादा फैला नहीं है। सेकेंड जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में आता है, जिसमें इंडिया में है, हम देखने को हमें मिल रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूज जो यहाँ पे फैल रहे हैं। ठीक है, तो उनका भी क्या है कि बड़ी तेजी से वो फैल रहे हैं, वैक्सीनेशन के माध्यम से या सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से, सोशल नॉर्म्स को फॉलो करके उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन म्यूटेट हो रहे हैं। ठीक है, बीच में ऐसे आपकी जैसे ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, या और भी इस प्रकार के नए हैं, ये जो वेरियंट्स हैं म्यूटेट हो रहे हैं, और बहुत बहुत बार क्या है कि भाई डायग्नोस करना मुश्किल हो जा रहा है, तो इन्हें सेकेंड कैटेगरी में रखा है। तीसरा जो है ये हाई रिस्क कैटेगरी है, इसमें ऐसे वायरसेस को रखा जाएगा जा रहा है कि जहां पर ज्यादातर 90% लोग हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। ठीक है, वैक्सीन भी बहुत ही कम काम करेगी या काम करेगी ही नहीं, और बहुत ही जो है खराब हालत हो जाएगी देश की। ठीक है, तो इस प्रकार के ये तीन कैटेगरीज हैं। आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट इट, बाकी थोड़ा सा आप डिटेल में इसको और पढ़ सकते हैं। अब ये कोई नया लामडा वेरिएंट कोई नया नहीं है, इसको पहले भी इसका नाम C37 नाम इसका दिया गया था, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो यहां पर आज हम अपना सेशन खत्म करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू नो बिट अबाउट अवर कोर्सेस। पहले कोर्स के बारे में हम बात करेंगे, मेंस का हमारा कोर्स है स्टूडेंट्स, उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर चुके हैं बट स्टिल कंफ्यूज दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जाम, तो उनके लिए ये कोर्स रहेगा, बहुत ही सुटेबल कोर्स है। इसमें 140 प्लस जीएस 1-3 के लेक्चर्स इंक्लूड हैं, 1600 पेजेस के नोट्स हैं, और आपके इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन इसी का हिस्सा रहेगी, जिसमें आपके मॉक इंटरव्यू सेशंस इंक्लूड रहेंगे, मतलब आपके मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन इस कोर्स का हिस्सा है। इट जस्ट अमाउंट 8500 रुपीज। सेकेंड में बात करूंगा कॉम्प्रिहेंसिव हमारे फुल लेंथ कोर्स की। ठीक है, ये उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है दोज आर जस्ट थिंकिंग अबाउट टू अपियर इन दिस एग्जाम। तो हमारे इस फुल लेंथ कोर्स में 200 से ज्यादा आपके जीएस लेक्चर्स इंक्लूड हैं, 75 लेक्चर्स आपके सीसेट के इसमें रहेंगे, आपकी टेस्ट सीरीज इसका हिस्सा है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही, मैगजीन आपको मंथली इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी, वीकली लाइव सेशंस इसका हिस्सा है, मॉक इंटरव्यू सेशंस भी इसका हिस्सा रहेंगे।
ठीक है, तो मतलब आपके प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तक की जो प्रिपरेशन है वो इस ही आपके कोर्स में कराई जाएगी एट जस्ट अमाउंट 22,500 रुपीज। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है इस अपने फ्रेंड्स के भी सर्कुलेट कर सकते हैं, इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस कोर्स यू कैन, और इफ यू वॉन्ट टू गेट मोर अपडेट्स तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो हियर वी कंप्लीट स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।